स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूँ दीप्ति पाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और इन दिनों सनातन धर्म के हर घरों में माता के नौ रूपों की आराधना की जा रही है। इन दिनों में बहुत से लोग उपवास रखकर माता की उपासना करते हैं और बहुत से लोग बिना उपवास के भी माता की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति इन पावन दिनों में उपवास रखते हैं तो आज हम उनके लिए एक संपूर्ण नियम के साथ बताने वाले हैं कि उन्हें इन व्रत के दिनों में कैसा संतुलित और अनुरूप आहार लेना चाहिए जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ हो, और यह भी बताऊंगी कि किस नियम से आहार को व्रत में लेना चाहिए। नवरात्र के जो व्रत होते हैं वह दो तरीके से रखे जाते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, और अधिकांश लोग नवरात्रि के पूरे नौ दिनों का व्रत भी रखते हैं। पर दोनों प्रकार के व्रत के लिए जो नियम है वह एक ही बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, दोनों के लिए एक ही नियम बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या आहार और फलाहार हम लें जिससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भी बरकरार रहे और हमें अन्न का सेवन भी ना करना पड़े। दोस्तों, आप ये जान लें कि अधिकांशतः लोगों को शंका होती है कि व्रत के दौरान एक दिन में हमें कितनी बार आहार या फलाहार करना चाहिए। तो आज हम आपको साफ तौर पर बताते हैं कि इन व्रत के दौरान नौ दिनों में जो व्रत हम रख रहे हैं, इन दौरान एक दिन में आप दो बार फलाहार या आहार ले सकते हैं। आपको ऐसा फलाहार या आहार लेना है जो कि ठोस हो, क्योंकि माता रानी कभी नहीं चाहेंगी कि उनके जो भक्त हैं वो भूखे रहकर उनकी उपासना या प्रार्थना करें। इसलिए आपको इन नौ दिनों में अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आप फलाहार या आहार ले रहे हैं उसमें क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम आप नौ दिनों में व्रत में ले सकते हैं दूध या दूध से बनी कोई भी चीज। दूध एक ऐसा आहार है जो कि संपूर्ण आहार माना गया है। आप नौ दिनों के व्रत के दौरान फलों का सेवन भी कर सकते हैं या फलों से बनी चीज़ जैसे कि फलों के चिप्स, फलों का जूस, केले का चिप्स, आलू का चिप्स, इनका भी सेवन कर सकते हैं। साथ में आप साबूदाना से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये एक ठोस आहार के तौर पर इसे ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इन नौ दिनों के व्रत में अगर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कभी भी काला या सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करें, यह व्रत के लिए वर्जित है। आपको अगर नमक का इस्तेमाल करना है तो आप एक सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूर्णतः व्रत के लिए ही बना है। तो इस प्रकार से आप याद रखें कि नवरात्र में व्रत के दिनों में आपको क्या खाना है जिससे आपको ऊर्जा मिले और क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें और सोने से आप 3 घंटे पहले ही आहार या फलाहार ग्रहण कर लें। ये ठोस आहार लें ताकि रात्रि में जब आप ठोस आहार लेंगे तो आप सुबह एक एनर्जी के साथ में उठ सकेंगे, क्योंकि माता रानी की पूजा आराधना करनी है तो शरीर में ऊर्जा होना जरूरी है। और माता का आशीर्वाद आप तभी पा सकते हैं जब आप सुबह प्रातः स्मरण में जगेंगे और माता की पूजा आराधना करेंगे। जब आप समय पर चीज़ों को करेंगे, ठोस आहार या फलाहार लेंगे, तो आप नौ दिनों की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नवरात्र में माँ के उपासना के साथ कैसे रहें स्वस्थ, इसको लेकर फिर एक नए टिप्स के साथ हम जुड़ेंगे आपसे। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।